करके और अच्छा आराम करें। आराम का वक्त आया है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता जिसको है वो कर रही है, सरकार कर रही है बिहार की, और ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं करवा रहे हैं। और जमीन के सर्वे में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार उस पर जागरूक है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और काफी सियासत भी हो रही है, और वहीं बात करें तो जो रहती जमीन है उसके लिए जो अवधि है वो बढ़ाया गया है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से, और जिस तरह से जो तेजस्वी यादव बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले क्या कुछ करे अश्विनी चौबे, पहले सुनने की बात। तेजस्वी यादव यात्रा करने के बाद फिर विदेश चले गए हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो मिथिला डेवलपमेंट कंट्री बनाएंगे, बिजली फ्री कर देंगे। देखो भाग के पास है, अब वो विदेश में जा करके और अच्छा आराम करें। आराम का वक्त आया है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता जिसको है वो कर रही है, सरकार कर रही है बिहार की, और ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। सर आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है, आप कई विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सर पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, फिर समस्तीपुर में कल नीतीश कुमार का अंतिम प्रोजेक्ट उसका स्पैन भी लिया, क्या लगता है निश्चित तौर पर सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से नहीं लगता सोचना चाहिए? भाई देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है, और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कार्यों का उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार इस प्रकार किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की खतरा भविष्य में उत्पन्न न हो। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि बिहार भ्रष्टाचार बढ़ गए जिसके वजह से पुल गिर रहे हैं, लगातार 2 दर्जन से अधिक पुल गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार से पुल को क्या मतलब है? पुल उनके जमाने में हो सकता है ढला हो, कोई पुल और ढला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर भ्रष्टाचार की बात कहीं भी है तो उसके बारे में उजागर करना चाहिए, लेकिन बिहार में बिहार की सरकार भ्रष्टाचार से परे है। सर तिरुपति में नहीं लगता, तिरुपति में जो खबरें आई आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या लगता है सरकार को इस पूरे मामले में एक पूरा एसओपी बनाना चाहिए सभी मंदिरों के जी? सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए। तिरुपति बालाजी में जो खबरें आई थी सर कि वहाँ कह सकते हैं प्रसाद भी मिलाए गए थे जो आपत्तिजनक थे, जो सनातन धर्म के खिलाफ थे, तो लगता नहीं है कि सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए पूरे देश के मंदिरों को लेकर? मुझे लग रहा है कि ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी बात हुई है, वहाँ की जो सरकार है आंध्र की, उनको अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई जांचोपरांत करनी चाहिए, और जो भी दोषी हो, जो भी गुनाहगार हो, उनको अविलंब सजा देनी चाहिए। हम और भी तहकीकात करके सनातन धर्मावलंबियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमेरिका के दौरे पर थे राहुल गांधी, और कहा गया कि आरक्षण खत्म करने की बात कही उन्होंने, सिख धर्म के खिलाफ अपने बयान किए। मुझे लगता है कि जाति धर्म और संप्रदाय के बारे में हमारे विपक्ष के नेता यहाँ जो बोलते हैं, लेकिन भारत की निंदा दूसरे मुल्क में जाके करते हैं, क्या ये उचित है? क्या अगर उचित है तो अपने देश की निंदा दूसरे देश में करें, तो इससे मुझे लगता है कि भारत का जो अपमान है वो कभी हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है, और ऐसे लोगों को जनता नक्कार खाना में भेजने का काम करती रहे। बिहार में जमीन लोग चाहिए, क्या अपने देश से प्यार नहीं उनको जो इस तरह से जमीन सर्वे बिहार में चल रहा है उसको रोक देना चाहिए? मुझे लग रहा है अगर देश से प्यार होता तो देश का अपमान क्यों करते? जमीन सर्वे को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, जमीन सर्वे रोक देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है खूब भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं, कहा जा रहे लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कहीं मैं भी जमीन का मालिक हूँ, मेरी भी खेती है,
हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और जमीन के सर्वे में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार उस पर जागरूक है। सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे किस तरह से बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर जो वीडियो भी वायरल किया जा रहा है कि कई अधिकारी हैं जो अंचल अधिकारी हैं वो पैसे ले रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।